हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की। तो आज की इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर आपसे एक न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो उसके आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर डिफिनीशन। तो डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी आपको व्हीटस्टोन सेतु पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें ओनली व्हीटस्टोन सेतु को ही हमने, अर्थात व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसको हमने डिटेल्स में आपसे बात किया। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, ये दोस्त है विद्युत धारा का चैप्टर, इसमें हम आपसे आज बात करेंगे ये आपका व्हीटस्टोन सेतु और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन की, जो कि आपके पेपर्स में दो नंबर या फिर आपसे कभी कभी ये पांच नंबर का डिटेल्स में पूछा जाता है। तो देखिए, आपसे इससे पहले कहना चाहेंगे, ये विद्युत धारा का चैप्टर में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे, आपके ऐसे बहुत से इसमें टॉपिक्स हैं जो हमने, जैसा कि किरचॉफ का नियम है, ये हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी, अर्थात BEE में हमने ऑलरेडी उस चीज़ को वहाँ पर इंक्लूड किया है। तो उस चीज़ का भी आपको डिस्क्रिप्शन में बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से उसमें जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि ये फिजिक्स सेकंड में है उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसा हमने बताया, किरचॉफ का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके दोनों डिफिनीशन आपसे पांच नंबर के पूछ लेते हैं, या कभी कभी डिटेल्स में अगर पूछता है तो पांच या फिर दो नंबर का सिंपल अगर डिफिनीशन पूछेगा तो आपका जो KVL और KCL ला होता है, किरचॉफ का दो ला होते हैं, KVL और KCL, ये दोनों ला पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा, तो यहाँ पर यही चीज़ कहना चाहेंगे कि उन सभी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको दोस्त आप तैयारी कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की, तो इसमें ऐसे बहुत टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी अपलोड किए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, कहता दोस्त की एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसकी तीन भुजाओं के आपको दिए गए रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इस प्रकार दिखता है, अर्थात इसमें आपके चार रेजिस्टेंस होते हैं, जिसको आपको पता है दोस्त इसकी जो आपकी बैलेंस कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, P/Q = R/S, ये आपकी बैलेंस कंडीशन होती है। तो देखिए, आपको पता है कि इसमें चार रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, तो इसमें कहा गया तीन रेजिस्टेंस, अर्थात तीन भुजाओं के आपको तीन रेजिस्टेंस 10 ओम, 100 ओम, आपको यहां पर देख सकते हैं 10 ओम, 100 ओम और आपका 500 ओम का, ये तीन रेजिस्टेंस आपको दिया गया है। और संतुलन की स्थिति में ब्रिज की चौथी भुजा, अर्थात जो संयोजित त्रिभुज आपको ये चौथी है, अर्थात कुल मिलाकर आपको फोर्थ जो रेजिस्टेंस है उसको आपको ज्ञात करना है। तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है, आपको चौथा रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको निकालना है। और एक यहाँ पर और है कि ब्रिज में आपका जो दिया गया है वो बैटरी कितने वोल्ट की लगाई गई है, वो 1.5 वोल्ट, अर्थात जिसमें जो वोल्टेज होगा इस सर्किट में कितना होगा, 1.5 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी का यूज किया गया है, वोल्टेज आपका 1.5 होगा। और प्रत्येक भुजा में निश्चित आपका प्रत्येक भुजा में कितनी धारा होगी, आपको मतलब इसमें दो क्वेश्चन हो गए, एक आपको रेजिस्टेंस निकालना है कि चौथा रेजिस्टेंस कौन होगा, और फिर प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी, अर्थात प्रत्येक भुजा में कितनी करंट होगी ये निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दोस्त इस प्रकार आपको यहां पर दिया गया है, जैसा देख सकते हैं आप, पी हमने माना कि एक 10 रेजिस्टेंस है, एक आपका 100 है, एक आपका दोस्त कितना है 500 है। अब आपको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, तीन दिए हैं अर्थात तीन नोन है और आपके एक अननोन है जिसको आपको ज्ञात करना है। तो होगा क्या दोस्त, यहां पर 1.5 वोल्ट की यहां पर एक बैटरी का यूज किया गया है और यहां से आई करंट प्रवाहित होगी, अर्थात यहां से आई करंट यहां फ्लो होगी, तो यहां पर दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक आपकी क्या होगी, एक I1 होगी और दूसरी क्या होगी, दूसरी आपकी I2 होगी, ठीक है। तो दोनों करंट यहां पर फ्लो होगी, एक इस प्रकार इस सर्किट में जाएगी, इधर जाएगी। तो देखिए दोस्त, तब यहां पर आपको पहले रेजिस्टेंस निकालने के लिए बैलेंस कंडीशन लगा देना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रिज के संतुलन की स्थिति, अर्थात बैलेंस कंडीशन होता है ब्रिज P/Q = R/S। अब ध्यान से देख लीजिए, P और Q कौन है, तो P ये होता है, Q ये, और R यस, ठीक है। तो P Q मतलब ये रेजिस्टेंस अपान ये, अर्थात 10/100, ठीक है, = R/S, मतलब R का मतलब ये वैल्यू आपका और S का मतलब आपको कितना दिया है 500, कितना दिया है 500, ठीक है। तो 10/100 आपको R/ यहाँ पर 500 करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर इसका R = लिख दिया गया। तो होगा क्या दोस्त, यहां पर इसको जब कुल मिलाकर आप लिखेंगे दोस्त, 100 पी मतलब आपका कितना है, पी की वैल्यू आपका 10 है, 10/100 = आप लिखेंगे कितना, लिखेंगे R/500
500, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 ओम। 10 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो सिंपली आपका 50 ओम रेजिस्टेंस आ गया आर की वैल्यू। ये जो रेजिस्टेंस होगा ये कितना आ गया 50 ओम। तो एक तो आपको पता हो गया, ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल बेस पे। अब इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ध्यान समझिए। अब नेक्स्ट ये दोस्त कह रहा है कि जो इसमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रही इसका वैल्यू निकालिए, अर्थात इस भुजा में कितनी करंट जा रही। ध्यान दीजिए आपको पता है कि ये दोनों क्या है सीरीज में है, ये भी क्या है सीरीज में। अच्छा ये आप बताइए दोस्त ये बैलेंस कंडीशन में आप कह क्यों रहे हैं। देखिए बैलेंस कंडीशन ये होता है कि जो आपका बीच में यहां पर गैल्वेनोमीटर का यूज किया गया है, जब ये गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार की करंट अर्थात I का मान क्या होगा इसमें 0, जब इसमें आपका करंट फ्लो नहीं होगा तब आपका बैलेंस कंडीशन होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। ब्रिज स्टोन ब्रिज यही आपका जो होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज जो आपका होता है यही होता है कि जो बीच में आपका गैल्वेनोमीटर का यूज यहां पर किया गया इसमें किसी भी प्रकार का करंट फ्लो ना हो, तभी तो दोस्त यहां से आपकी इधर करंट और इधर करंट आसानी से जाएगी। तब इस कंडीशन में ये दोनों क्या होंगे सीरीज में होंगे और ये दोनों क्या होंगे सीरीज में होंगे, अर्थात पी क्यू सीरीज में होंगे और आर एस सीरीज में होंगे। और आपको पता है कि सीरीज में सदैव करंट समान, अर्थात अगर सीरीज सर्किट है तो उसमें करंट क्या होती है इक्वल फ्लो होती है। पैरेलल में आपका वोल्टेज इक्वल होता है और सीरीज में करंट इक्वल होती है। तो आपकी जो यहां पर से I1 करंट इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो होगी उतना ही करंट इसमें फ्लो होगी 100 ओम में, जितना I2 इस R रेजिस्टेंस में फ्लो होगी उतना ही इस S रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दो चीज आपका क्लियर हुआ कि यहां पर I1 करंट निकालना है एक I2। तो सिंपल चलते हैं दोस्त, I1 करंट निकालने के लिए क्या करना है। पहले आपको हमने बताया कि ऊपर P और Q क्या होंगे सीरीज में होंगे। जब यहां पर आपके दोस्त ये दोनों सर्किट क्या होंगे सीरीज में, तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो फार्मूला होता है आपका सिंपल फार्मूला, ये चीज आपको पता होगा R=R1+R2। ये चीज हमने ऑलरेडी आपको बताया बहुत डिटेल से ये सभी टॉपिक्स हमने की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उन सभी छात्रों को मैं कहना चाहूंगा जो भी यहां पर तैयारी कर रहे हैं, तो उन मैकेनिकल के स्टूडेंट या सिविल के स्टूडेंट है उनके आपके सब्जेक्ट में एक ऐसा टॉपिक होगा अर्थात इलेक्ट्रिकल से संबंधित टॉपिक होगा जिसमें आपको एसी से संबंधित अर्थात आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को आपको जो पढ़ना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आपके टॉपिक्स हैं मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल में सभी टॉपिक्स को यहां पर कंप्लीट कराया है। आपका एसी उसमें बचा है पॉलीफेज एसी और बैटरी, उसके बाद आपका सभी बेसिक कंप्लीट होता है। उन सभी वीडियो में आप जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आपको ऐसे बहुत से टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जैसे बहुत टॉपिक है जो आपके सब्जेक्ट हैं कॉमन सब्जेक्ट, उनको आपको पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्त ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में आपका 10+100 क्या हो जाएगा दोस्त 110 हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर कितना होगा 110 ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपको यहां पर अभी आपने कितना निकाला था दोस्त आर का वैल्यू कितना आपने रेजिस्टेंस निकाला 50। तो सिंपली ये आपका 50 और 500 जुड़ के कितना हो जाएगा 550, कितना हो जाएगा 550 और ऊपर आपका हो गया कितना दोस्त 110, ऊपर 110 और नीचे दोनों आपके 550। तो इस सर्किट में ऊपर वाले सर्किट में आपको जो रेजिस्टेंस है वो 110 है और नीचे वाले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 550 है। तो पहले ऊपर वाले में निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना है ऊपर वाले में दोस्त 110। तो यहां पर आप देख सकते हैं पी प्लस क्यू कितना आया 110 और करंट आपको फार्मूला ओम्स लॉ के आधार पर पता है V=I×R। हमने ऑलरेडी ओम्स लॉ आपको पढ़ाया है तो इस चीज को ध्यान दीजिए V=I×R होता है। अब देखिए ओम्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको आप जरूर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है दोस्त कि V=I×R दिया है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है करंट। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं I=V/R। तो वोल्टेज यहां पर कितना है, वोल्टेज आपका 1.5 है। क्यों 1.5 है, चूंकि आपने जो बैटरी या सेल का जो यूज किया है वो आपकी कितने वोल्ट की है 1.5, तो यहां पर क्या होगा 1.5। अब क्यों 1.5 हो रहा है मैं वो चीज क्लियर आपसे करूंगा, चूंकि आपके कंफ्यूजन होगा कि यहां पर 1.5 क्यों है, आप कैसे समझेंगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, कैसे आपका 1.5 होगा, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। अभी आप मानिए कि यहां पर कितना है 1.5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है दोस्त 110, रेजिस्टेंस कितना है 110। तो सिंपली यहां पर 1.5 बटे 110 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0136 एंपियर। ये करंट आएगी आपकी क्या, ये आपकी I1 करंट होगी, ये आपकी I1 करंट होगी, इसको I1 कर लीजिए। ये ऊपर वाले सर्किट में जो करंट यहां पर फ्लो हो रही है, यहां ध्यान दीजिए ये I1 करंट है वो ऊपर वाले सर्किट में, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेकंड आपका दोस्त नीचे वाला जो रेजिस्टेंस था वो आपका 500 और प्लस 50 जो आपने 50 ज्ञात किया, तो 550
टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था, और यहाँ पर भी आपकी जो बैटरी सेल यूज की गई वही सेल बैटरी है, तो सिंपली आपका उतना ही वोल्टेज होगा 1.5 अपॉन कितना जितना टोटल रेजिस्टेंस है 550 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आएगी करंट फ्लो होगी I2 का मान होगा 0.0027 एम्पियर, कितना 0.0027 एम्पियर। ओके आगे चलिए, अब देखिए यहां पर आपको बिल्कुल बताया गया दोस्त कि 10 ओम और यहां पर 100 ओम में कितना आपका, यहां पर देख लीजिए क्लियर बिल्कुल समझ लीजिए कि दोनों जो रेजिस्टेंस है उसमें उसमें दोनों में ऊपर वाले में 0.0136 एम्पियर करंट फ्लो होगी, नीचे वाले में आपके 50 और 500 ओम में आपकी 0.0027 एम्पियर करंट फ्लो होगी। क्यों होगी? चूंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज में करंट इक्वल होती है। अब बात यहां पर 1.5 वोल्ट की थी, तो आप ध्यान से देखिए ये दोस्त क्या है, यहां से यहां तक ये कैसे जुड़ा हुआ है पैरेलल में, ध्यान से देखिए ये आपके जो ये दोनों सर्किट ये तो सीरीज में है, लेकिन जब ये दोनों सीरीज में जुड़ेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल में होंगे, और ये जो आपका सेल लगा हुआ है ये इसके क्या लगा हुआ है पैरेलल लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज क्या होता है समान होता है, इसीलिए यहां पर टोटल जो वोल्टेज यहां पर लिया जा रहा है दोनों सर्किट में 1.5 वोल्ट लिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए कि इसका आधा कर दें या आप 1/4 कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं, पैरेलल में आपका वोल्टेज इक्वल होता है। तो यहां पर आपको दोस्तों पहला पॉइंट क्या था, आपको रेजिस्टेंस निकालना था, दूसरा कि इस शाखा में या इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है और फिर यहां पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो ये दो पॉइंट्स के आपके व्हीट स्टोन ब्रिज के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा आपको याद रखना है कि सदैव डिफिनीशन आपको डिटेल्स में और सभी इसका डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए, वो भी आपसे पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन आपसे इससे बन सकता है। देखिए अब हमने एक अब बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन लिया है जिसे कहते हैं प्रतिरोध का नियम अर्थात लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध को समझाइए। अब देखिए देखिए दोस्तों यहां पर कहा गया कि प्रतिरोध का नियम क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। तो प्रतिरोध का नियम कहते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसमें अर्थात जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल आप समझिए, जो उसमें आपकी कोई जैसे वायर है या कोई सर्किट है, अगर उसमें कोई करंट आपकी फ्लो हो रही है, अगर उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है और जो उसका अपोज करता है साथ उसको रुकावट करता है, उस करंट को रोकने का प्रयास करता है, तो एक प्रकार का क्या है रेजिस्टेंस है। अर्थात दोस्त अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसमें कोई रुकावट बनता है, कोई आप कार्य कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट बनता है, तो वो एक व्यक्ति जो हुआ वो एक प्रकार का क्या हुआ रेजिस्टेंस हुआ। तो वही चीज यहां पर जो होता है रेजिस्टेंस उस क्या होता है रेजिस्टेंस एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी? ये जो आपका मटेरियल होगा जो पदार्थ होगा उसका। अर्थात आप देखते हैं दोस्त एल्यूमिनियम का वायर होता है, सभी जो आपके कॉपर के वायर होते हैं सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो वायर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ओनली उसके प्रॉपर्टी पर उस मटेरियल के। तो ये धारा का जो विरोध करता है उसे आप कहते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये पदार्थ के मटेरियल पर और उसके बहुत से यहां पर है, तो वही चीज यहां पर नियम इसीलिए रेजिस्टेंस का ला बना। अब देखिए तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध कुछ नियमों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, अर्थात जो आपका कंडक्टर आपने वायर जो लिया है वो कितनी लंबाई का, हम मानते हैं इसकी लेंथ कितनी है L है, हमने एक कंडक्टर लिया इसकी लेंथ कितनी है दोस्त, इसकी लेंथ L है। तो अगर आपका वायर जितना लंबा होगा तो उसका रेजिस्टेंस उतना होगा, क्यों? चूंकि आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, अर्थात आर के क्या है समानुपाती है, आर जो है दोस्त एल के समानुपाती अर्थात लेंथ के समानुपाती है। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितनी कम होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहला पॉइंट, तो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आता है दोस्त आपका चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोध जो है उसके परिच्छेद क्षेत्रफल अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्या होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये नहीं समझ रहे तो मैं आपको इंक्लूड करता हूं, यहां पर परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये आपका वायर है दोस्त, ठीक है, और ये आपका जो साइड में ये चीज आप देख रहे हैं ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आपका होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। कितना मोटा आप वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उसका मोटाई की बात यहां पर करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपका कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा ज्यादा होगा। अगर आपका यहां पर चूंकि ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है, तो आर व्युत्क्रमानुपाती जो ए देख रहे हैं आप, अर्थात अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा दोस्त नीचे वाला आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा आपका क्या होना चाहिए, अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब यहां पर हम कुल मिलाकर पतले वायर का नहीं मोटे वायर का यूज करेंगे, इससे मोटा वायर मतलब कि आपका जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा
रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है कि चालक के प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो आपको बता रहे थे दोस्तों कि जो आपका रेजिस्टेंस होगा उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, तो मटेरियल का आपको इसीलिए वहां पर विशिष्ट प्रतिरोधकता आपकी आ जाती है, जिसे आप यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो देखिए आपका जैसे यहां पर बनेगा दोस्तों एक लेंथ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब यहां पर देखिए लेंथ के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब दोनों को यहां पर इंक्लूड करेंगे तो आपका हो जाएगा आर समानुपाती एल बाई ए। ओके, अब यहां पर दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए आपको इक्वल लगाना, और इक्वल लगाएंगे तो उसके पहले आप कांस्टेंट लगाएंगे। अर्थात यहां पर अगर आपको समानुपाती का चिन्ह हटाना है और कांस्टेंट इक्वल के चिन्ह को लगाना है तो उसके पहले आपको एक कांस्टेंट लिखना होगा। वही यहां पर कांस्टेंट लिखा गया है जिसको कहते हैं रो, और रो आपका क्या होता है ये चीज समझिए, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता कहते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या दोस्त, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके, अब देखिए यहां पर दोस्तों विशिष्ट जो आपका देखिए फार्मूला आपका क्या बन गया, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो क्या है, विशिष्ट आपकी क्या है प्रतिरोध, और L क्या है उस कंडक्टर की लंबाई, A क्या है उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, R क्या है उसका रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए यहां पर जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होगा चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है तथा पदार्थ के लिए इसका मान भिन्न भिन्न और स्थिर होता है। ध्यान से समझिएगा, जो आपका मटेरियल का रो है वो किस पर, वो आपके मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है और पदार्थ के लिए इसका मान अर्थात प्रत्येक मटेरियल के लिए आपका इसका मान भिन्न भिन्न तथा स्थिर होता है, अर्थात फिक्स होता है। कि अगर आपका रजिस्टेंस आपका मतलब एक एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं तो उसका एक फिक्स आपका क्या होगा, एक आपका फिक्स विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और अच्छे चालक की जो प्रतिरोधकता होती है अर्धचालक और कुचालकों की तुलना में कम होती है। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखिएगा। अगर ये गुड कंडक्टर है, आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा दोस्त कि एक गुड कंडक्टर है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है अर्धचालक और कुचालकों की तुलना में कम होती है। रेजिस्टिविटी एक प्रकार की क्या है दोस्त, जिस प्रकार आपकी जो रेजिस्टिविटी है अर्थात जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका धारा के लिए क्या है, एक विरोध है, अर्थात धारा के लिए वो अच्छा नहीं होता है, वो आपका विरोध करता है। तो इसी प्रकार आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसके कारण आता है, वो आपके रेजिस्टिविटी अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता के कारण आता है। तो जब ये कम होगा तभी तो दोस्त आपकी उसमें करंट फ्लो होगी, अर्थात तभी तो उसमें एक अच्छा बेटर आपका परफॉर्मेंस दे सकेगा। इसीलिए आपकी रेजिस्टिविटी जो आपके गुड कंडक्टर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी आपके सेमीकंडक्टर या फिर आपका इंसुलेटर की तुलना में सदैव कम होता है। तो दोस्त आज का वीडियो यहीं तक था, और कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए, यहां पर और भी पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे आपको दोस्त यहां पर क्या किया जाए, लंबाई को और अगर एरिया को वन कर दिया जाए, जैसे ये फार्मूला दोस्त है इसमें लेंथ को और एरिया को वन मान लिया जाए, अर्थात एकांक लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी एकांक कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपसे विशिष्ट प्रतिरोध की कोई डिफिनीशन पूछता है तो आप ऐसे कह सकते हैं, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एक मीटर एक वर्ग मीटर अर्थात एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया के एक मीटर लंबे तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। सिंपल सी बात दोस्त है कि आप एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है एक मीटर, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है एक मीटर, जिसकी लंबाई एक मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया एक मीटर, तो उस कंडीशन में जो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूं दोस्त कि आप सदैव ध्यान रखिए क्या, आर बराबर इनटू एल बाई ए, मतलब आप सदैव फार्मूले को यहां पर इंडिकेट करिए। कोई भी आप फार्मूला लगा मतलब कोई भी डिफिनीशन करिए या भी कोई भी डेरिवेशन करिए, पहला सबसे प्रायिकता आप दीजिए फार्मूले को। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, यूनिट से लिख सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं, कोई भी आप सब कुछ कर सकते हैं डेरिवेशन भी, मेन पॉइंट है फार्मूला। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिए, सदैव फार्मूले को ज्यादा फोकस करें। यहाँ पर एक डिफिनीशन अर्थात इसके दो डिफिनीशन बन सकती है कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एक मीटर भुजा पर निर्मित घन के दो परस्पर सम्मुख फलकों के बराबर होता है। बात इतनी सी दोस्त थी, यहाँ पर देख सकते हैं फलकों के मध्य तुल्य होता है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। पहला तो आपको ये चीज़ आप याद कर लीजिए, एक डिफिनीशन यहाँ पर आपको माने रखता है जो कि आपको उसी फार्मूले से याद करना है, ठीक है। फार्मूले से कि मतलब एक मीटर लंबाई और एक मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया कर देना है, फार्मूला आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं। एक ही डिफिनीशन याद रखें, लेकिन आप अच्छे से एक ही डिफिनीशन को याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर भी निर्भर करता है। अर्थात ताप का मतलब यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, अगर आपके कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, अगर एक गुड कंडक्टर उसका
टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर सिंपल समझिए कि विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक आपसे पूछ सकता है। मैंने पिछले ईयर्स के पेपर 2019 का देखा, उसमें पिछले ईयर्स के पेपर्स में 2019 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप बताइए विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, उसमें पूछा गया है। और साथ में आपको बताना चाहेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज से आप देखेंगे तो उसमें डिफिनीशन और आपको 2019 के पेपर में न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया। अगर आप सभी का कमेंट रहेगा, आपने वीडियो यहीं तक देखा दोस्त, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस वीडियो में, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मैं 2019 का पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप देख सकेंगे कि कैसे ओवरव्यू होता है पेपर्स आने का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो यहाँ पर दोस्त आपका विशिष्ट प्रतिरोध को रो से जो डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला दोस्त R बराबर रो इंटू एल बाई होता है। तो इसमें से अगर आप रो इक्वल लिखेंगे तो आपका क्या होगा, रो इक्वल हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। कैसे, ये A आपका उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R A और नीचे आपका L चले जाएगा तो R A अपान L हो जाएगा। और सिंपली आप देख सकते हैं जो आपका रजिस्टेंस है उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और A अर्थात आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्त, एरिया का मतलब आपका होता है मीटर स्क्वायर। और नीचे लेंथ है, लेंथ का मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है क्या, मीटर। तो सिंपली आपका ओम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर हो गया, और मीटर मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली ओम मीटर हो जाएगा। सदैव ध्यान रखिएगा आपसे प्रतिरोधकता का जो ये आपके रेजिस्टिविटी होती है, इससे आपका यूनिट्स पूछता है या फिर आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट फार्मूला, या फिर आपसे डायमेंशन पूछ लेता है। डायमेंशन का समझ, हमारी बातों को समझ रहे दोस्त, डायमेंशन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए इन सभी को आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा कर सकेंगे। और आप सभी के कमेंट आएंगे तो मैं पिछले ईयर्स का पेपर भी आपको वीडियो के माध्यम से कर दूंगा, और अगर आपके कमेंट रहेंगे तो पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा। चैनल पर प्लीज पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिए, लगातार मैं आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। धन्यवाद।